लेट हो गया, लेट क्यों हो गए? मैंने आपसे बोला था मैं 3 बजे की बैठी हूँ, पता है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैसेज, एक बार मैसेज डाल दो, कुछ कभी भी सो ही रहे होंगे। डाल दीजिए मैसेज, जल्दी से करें फिर स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रौनक, कहाँ गई भाई तेरी टीम? पता नहीं सर, डाल लो मैसेज दोबारा। हाँ डाल। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग आए नहीं अभी तक पूरे खिलाड़ी हैं सर सबको मैसेज अच्छा सर सुबह और शाम की क्लास में सेम एक चीज है सर क्या सुबह भी चाय पीने से स्टार्ट होता है शाम को भी चाय पीने से स्टार्ट होती है भाई तुम्हारे को तो मिल रही चाय मेरे को तो मेरी घरवाली चाय भी नहीं दे रही है सुबह तो मिल जाती है लेकिन शाम को नहीं मिल रही अभी तो करें स्टार्ट यस सर तो सभी का वेलकम बैक एंड टुडे वी स्टार्ट ए न्यू सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरी वन बोले तीन बच्चे सिंसियर लगे हैं नहीं मेरे को तनिषा शानू और सृष्टि मैं और खराब नहीं बोल रहा लेकिन तीन बच्चे ईमानदारी से बोल रहे सर गुड इवनिंग सर रेस्पेक्ट से मैं बोला बढ़िया बात है बेटा तो मैं भी गुड इवनिंग बोला सर नहीं नहीं बोला नहीं लिखने की बात कर रहा था मैं सॉरी दिल पे मत लेना लेकिन वो चीज ज्यादा मैटर नहीं करती है मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि तीन बच्चे हैं जो एक्टिव है बाकी आलसी कुछ एक तो बोल के काम चला रहे कुछ एक बोल दिया यार मेरी तरफ से भी मान लेना जरा तो वहीं से देखिए मजाक कर रहा हूं मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम सर आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आवाज तो आ रही होगी बेटा आ रही है सर आवाज हाँ वही तो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऐसे तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट ये आपके कौन से सेमेस्टर में था हो गया या चल रहा है या आने वाला है हो गया सर कौन से वाले में कोरोना वाले में सर कोरोना वाले में हुआ है वेरी गुड तो कहां तक ईमानदारी से पढ़े थे इसको सर शेड्यूलिंग तो हो गया था सर पूरा हो गया था अच्छे से तो आज शेड्यूलिंग कर लें फिर एक बार अपन स्टार्टिंग ही यस सर नहीं आता है बस तो ये करा था सर मतलब लाइक पढ़ा था ये अच्छा पढ़ा सर अच्छे से पढ़ा था मतलब वो ऐसा नहीं था कि बस आप भूल गए सर आप स्टार्ट से पढ़ा दीजिए सर वो तो स्टार्ट से पढ़ाऊंगा तुमने पढ़ रखा तो कौन सा तीर मारा है आधे ने तो भूल गए भूल गए सर लोडिंग एंड लिंकिंग एंड मेमोरी एलोकेशन टेक्निक कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन पेजिंग तो ये पीछे की बिल्कुल छोड़ दी थी तुमने पेजिंग मल्टी लेवल पेजिंग इन्वर्टेड पेजिंग नहीं सर थोड़ा सा किया हुआ है
अच्छा नहीं, ये तो टफ वाले कॉन्सेप्ट रहते तो स्किप करने लायक ही थे। अच्छा वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गो, फाइल सिस्टम एंड डिस्क शेड्यूलिंग, भाई और बहनों 9 से 11 मार्क्स तक का ये वेटेज, जिसमें 60% तो वेटेज इस सब्जेक्ट का यहाँ हो जाता है, 20-30% यहाँ, 60-70 ठीक है, क्लियर है? यस सर। एंड 20-30% इन्हें को है। मार्क्स वाइज बोले तो ये आपका 2 मार्क्स का आ जाता था सीपी शेड्यूलिंग और कंसेप्ट में से, है ना, 2-3 मार्क्स ना, परसेंटेज वाइज ही समझा दें, या 2-3 मार्क्स का तो ये पूरा आ जाता था। एक 2 मार्क्स का सीमाफोर का न्यूमेरिकल आएगा, 1-2 मार्क्स का डेडलॉक का आ गया, 2 मार्क्स का ये आ गया, 2 मार्क्स का ये, और 1-2 मार्क्स का ये वाला आ गया। इस टाइप से आपका ये 9-11 मार्क्स तक का पूरा सिस्टम था। ये तो अभी तक उतने ही बच्चे आए हैं जितने मॉर्निंग में भी आते हैं, जबकि इससे ज्यादा मॉर्निंग में आ जाते हैं बेटा। या ऐसा तो नहीं, एक बात और सेम है कि सुबह भी हम सोते थे शाम को भी हम सोते रहते हैं? नहीं सर, एक बार और मैसेज करके आते हैं सर, एक बार। अब सुने, आज पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना चाहते हो या थ्योरी से? हालांकि ओएस स्टार्टिंग से भी कर सकता हूं मैं, और सीपी शेड्यूलिंग के बारे में सिखा के वहां से भी कर सकता हूं, जैसा आप बोले, यानी प्रोसेस कर सकते थ्योरी पढ़ सकते हैं। फील आना चाहिए, फील आना चाहिए। हाँ सर, जैसे में फील आ जाए। फील दोनों में आएगा, लेकिन चलो अपन सिस्टमैटिक ही चलते हैं, ज्यादा सही रहेगा, यानी स्किप नहीं करते हैं, सिस्टमैटिक ही चलते हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल रहेगा, लेकिन कंसेप्चुअल है वो, आपने भी पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा और अच्छी तरह रिवाइज भी हो जाएगा, और पता भी पड़ जाएगा अपन ने कितना रायता डोला हुआ था। ठीक है, मेरी बात को कोई दिल पे ना ले, लेना है तो ले ले। यहाँ तक उतार लिया है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. आज मैच चल रहा है ना, तो लोग वहां बिजी होंगे वैसे मेरे ख्याल से। वैसे मैच में चल क्या रहा है ये बताओ तुम? हार रही है सर। कौन, इंडिया? हाँ सर, ऑस्ट्रेलिया हार रही है। नहीं सर, ये विकेट चाहिए, जीत जाएगी। तो 9 विकेट हो गए क्या उनके? नहीं सर, मैक्सवेल बचाया, बस उसको आउट हो जाएगा फिर तो जीत ही गई। अच्छा, आउट कैसे होगा ये तो बता। सुने अब, मौसी का लड़का तो ही ना उनके। सही भी बात है। सुनिएगा साहब, अब मैं सिखा रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लीज टेल मी, क्या होता है? पढ़े हो ना आप लोग, बताइए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बताइए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का माध्यम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एस्टैब्लिश द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन यूजर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी और जो भी ऑपरेशन होते सर, उनके जो सिंक्रोनाइज करता है सबको। एमपी की ताई बोलते थे ना, किसको बोलते थे एमपी की ताई?
नहीं पता सर। मध्य प्रदेश में उसको ताई के नाम से हैं, नहीं जो जो लोकसभा स्पीकर भी रही थी बीजेपी की, भारती सर, भारती नहीं यार, वो स्पीकर भी रही थी लोकसभा में, जलेबी इमरती देवी, सुषमा स्वराज, या उसके बाद में एक और लेडी थी जो चश्मा लगाती थी, यस सर, नाम याद नहीं आ रही, ना ना ना, समझ गए होंगे मेरी बात, थोड़ी सी हेल्दी भी थी, यस सर, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जैसे हाँ क्या नाम क्या था, नाम नहीं याद आ रहा सर, आनंदी भाई, अरे नहीं यार गुजरात की भाई वो, सुने कोई बात नहीं, अरे वो महाजन थी ना, सुमित्रा महाजन, हाँ ताई बोला जाता था उसको एमपी की, याद है, जीके बढ़ाओ थोड़ा, जब अपने मामा है ना शिवराज, यस सर, यस सर, ध्यान रखा करो, सुने अब, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं वेट ही कर रहा था और आजा दो चार, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ही नहीं, अधिकतर आप लोगों ने गलत डेफिनेशन बोली कि एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, आई एम द यूजर, दिस इज द हार्डवेयर, दिस इज ऑल्सो हार्डवेयर, वेयर इज द ओएस, सो दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग, सो सर व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर तो अपन बचपन से सीख के आए हैं, कंप्यूटर के वह भाग जो चीज, हार्डवेयर तो एक सैनिटरी वाले की भी दुकान होती है भाई, उसके भी आगे लिखा होता हार्डवेयर, और आप हो यूजर, कहाँ है ओएस, तो ऐसे नहीं बोलने का, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, या वेरियस डेफिनेशन ऑफ द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू रन एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इवन इन गैल्विन, देखो मैं दो बुक रेफर करता हूँ इसके लिए, गैल्विन, डीएम दामदारी और विलियम स्टर्लिंग, गैल्विन प्रेफरेंस है, बाकी दो बुक इसके अलावा रेफरेंस में यूज अलग से करते हैं, बट आप ये पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, यहाँ वाले नोट्स भी मोर देन सफिशियंट होंगे मेरे, तो सुनिएगा, एमपी एमपी क्या यार, गैल्विन में तो ये भी बता रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्ट एज ए गवर्नमेंट, एक्ट एज ए गवर्नमेंट विच नथिंग डू एनीथिंग बट कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, बट कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, आज आप बोलो मुझे भारत सरकार से मिलना है, मुझे भारत सरकार से मिलना है, इसका मतलब ये नहीं है, आप बताओ कोई भारत सरकार है एक जना, कोई एक जना, अब तुम ये मत बोलो मोदी और अमित शाह है, ध्यान रखना, यानी वैसे तो भारत सरकार क्या होती है, लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, विच नथिंग डू एनीथिंग बट कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, तो करता कौन है, कर्नल, करता कौन है, कर्नल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर, यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर एवरीवन, यस सर, एंड व्हाट इज द गोल ऑफ ओएस, व्हाट इज द गोल ऑफ ओएस, the primary goal of OS is convenience, yani easy to use, ease to use, jaise windows ka primary goal kya hai, windows ka primary goal hai easy to use, and the goal of OS is efficiency, समझ रहे हो, mean to say windows primary goal is OS, oh windows का primary goal क्या है, convenience, and linux का primary goal है OS, clear है everyone, yes sir, again I repeat I am talking about the operating system क्या होता है, operating system act as a interface between user and computer hardware, but this definition not asking it to 2025 also. What is the goal of OS? Efficiency and convenience. So Windows primary goal is
convenience, and Linux primary goal is efficiency. Clear? Now, उसके बाद, I am talking about the type of OS. Please put your pen down. Put your pen down. Batch OS, हालांकि आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सबसे पहले मैं सिखा रहा हूँ बैच ओएस. क्या बेटा? बैच ओएस. बैच ओएस में क्या होता है? द जॉब आर लोडेड इन द फॉर्म ऑफ बैच, इन द फॉर्म ऑफ बैच, एंड जॉब इज कंप्लीट कंप्लीटली व्हेन इट कंप्लीट बोथ ऑफ द टाइम. आपके कंप्यूटर में दो टाइप के टाइम होते हैं, एक तो सीपीयू टाइम, एक आईओ टाइम. क्या? सीपीयू टाइम एंड सेकेंड वन इज आईओ टाइम. तो जॉब कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब बोथ ऑफ द टाइम फिनिश हो जाएंगे. जैसे ये बैच है गेट 2021 का, मान लीजिए, तो मैं कब तक आगे नहीं बढ़ सकता? जब तक कि सभी बच्चे नोट डाउन नहीं कर लेते, सभी बच्चे आंसर नहीं दे लेते, या किसी ने कईयों ने आंसर उतार लिया है तो भी मैं आगे नहीं बढ़ता ना, जब तक सभी बच्चे नहीं उतार लेते. वही वाली बात है. तो बैच ओएस में क्या होता है? इन दी बैच ओएस, इन दी बैच ओएस, जॉब आर लोडेड in the memory, in the form of batch, in the form of batch, job is completed completely when it complete या फिनिश बोथ ऑफ द टाइम. बोथ ऑफ द टाइम बोले तो सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम. माय डियर, क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज द सीपीयू इन विच जॉब J1 एग्जीक्यूट. व्हेन जॉब J1 रिक्वायर्ड आईओ ऑपरेशन, देन इट विल मूव टू द आईओ. दैट टाइम सीपीयू रिमेन आइडल. That time CPU remain idle. Idle. Clear है? Again I am saying, in the batch OS, job are loaded in the memory in the form of batch, and job is completed completely when it complete both of the time, CPU time and IO time. Then another job will enter. Job will enter. So in this CPU utilization is low and throughput also decrease. Clear hai beta? Yes sir. Very good. Yahan tak utar liya hai ya nahi utara? Koi baat nahi, pehle ek baar main samjha du sare. कोई बात नहीं, मैंने मना किया था, याद आ गया मुझे. नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में दो शब्द बोले. अब दो ही मत बोलना, उसके आगे भी बोल सकते हो. बताइए बताइए बच्चों, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? प्लीज, अरे पढ़ रखा ना भाई आप लोगों ने, यहां तक तो पढ़ाई है अच्छी तरह. मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं एक ही टाइम पर. जिस भी बच्चे ने प्रोग्राम मल्टीपल सेट ऑफ जॉब्स का बैच साथ में जाता है, फिर वन वन करके जॉब्स उसमें डाली जाती है, फिर वो कंप्लीट होती है. व्हेन वन जॉब कंप्लीट होती है जब सेकंड डाली जाती है, एंड जब सेकंड वाली कंप्लीट होती है तब सर थर्ड डाली जाती है. पहले चलता है सर. यस सर, जो मल्टीपल जॉब्स रहती है वो कंप्लीट होती है. सुने, वेरी गुड. एक दो बच्चों ने तो एकदम ही गलत बोल दिया कि सर मल्टीपल जॉब एक साथ एग्जीक्यूट होती है. इतिहास गवाह है, आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो. सिंगल प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है. तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? इन द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर लोड मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम.
या इन दी मेमोरी, बट काम एक ही होता है। सो सर फिर से मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे बोला और थ्रोपुट कैसे बढ़ गया? मान लीजिए जॉब जे वन सीपीयू से आईओ के लिए गया, सीपीयू से आईओ के लिए गया, दैट टाइम सीपीयू नॉट रिमेन आइडल, अनदर जॉब जे टू विल बी एग्जीक्यूट, बट एक से ज्यादा लोड कराना दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज्यादा एग्जीक्यूट कराना दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर। आज जैसा बोलते हो ड्यूल कोर प्रोसेसर है, कोर टू ड्यू है, तो भाई एक प्रोसेसर पे एक, तो चार प्रोसेसर है तो चार, ऑक्टा है तो आठ, हेक्सा है तो छह, जितने भी है भाई, समझ रहे हो? तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? लोड मोर देन वन प्रोसेस इन दी मेमोरी। सो इन दिस सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज, समझ में आ गया बेटा? Why? Because when job J1 go to the IO, that time CPU not remain idle, another job J2 will enter. And throughput also increase. Clear है everyone? Yes sir. Yes. उतारिए please, शांति से उतारिए सभी बच्चे। नीचे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्लियर है या नहीं है। वेरी गुड। देखो आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल होगी, थोड़ी सी, क्योंकि कंसेप्ट है स्टार्टिंग में, और तुम जो इतने चौड़े हो रहे हो ना, चौड़े होने का मतलब दिल पे मत लेना भाई, कि भाई सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आती है उन्हीं में तुम फेल होगे, देखना रवि नहीं हुआ तो ऊपर वाला सर वो डायग्राम डायग्राम सर ये मेमोरी का मतलब प्रोसेसर वाली की मेन मेमोरी क्या सर ये मेमोरी में लोड होता है वो प्रोसेसर वाली की मेन मेमोरी मेन मेमोरी जाको मोहन प्यारे तानिया उतार लिया बेटा? यस सर। नाउ डन एवरीवन? थर्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम,
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, बताओगे कोई? देखो दीज आर दी जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी अपन ने पढ़े. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है इनमें जो टास्क होते हैं वो सब रियल टाइम में होते हैं. तो अब आप बोलोगे सर कि बाकी क्या काल्पनिक टाइम में होते हैं क्या? रियल टाइम का मतलब है जैसे अभी ये रियल टाइम कहला रहा है, समझ रहे हो बात? टाइमली बाउंडेड डेडलाइन. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन RTOS टास्क आर कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, दैट इज कॉल्ड डेडलाइन, दैट इज कॉल्ड डेडलाइन. क्लियर बच्चों? स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दैट इज कॉल्ड डेडलाइन. कितने टाइप के होते हैं ये? अरे RTOS कितने टाइप के होते हैं? टू. कौन कौन से? हार्ड हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट. तीन टाइप के होते हैं जनरली, ब्रॉडली आप इनके दो ही नाम सुनोगे लेकिन जब आप डीपली जाओगे तो इसके तीन होते हैं बेटा. हार्ड रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट एंड फॉर्म. हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? इफ डेडलाइन इज मिस देन कैटास्ट्रोफिक. कैटास्ट्रोफिक का मतलब समझ में आता है? डिजास्टर. कैटास्ट्रोफिक मतलब डिजास्टर. कैटास्ट्रोफिक इवेंट विल अकर. एग्जांपल बताओ जल्दी से. मिसाइल. मिसाइल सिस्टम. अगर दो मिनट में मिसाइल लॉन्च नहीं हुई दो सेकंड में तो भाई यही हिरोशिमा नागासाकी बन जाएंगे. फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम. क्लियर है? यस सर. दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. इफ डेडलाइन इज मिस देन नो कैटास्ट्रोफिक इवेंट विल अकर. नो कैटास्ट्रोफिक इवेंट विल अकर, ओनली क्वालिटी विल डिग्रेड. ओनली क्वालिटी विल डिग्रेड. इसका एग्जाम्पल बताइए बेटा प्लीज. क्या? नेट बैंकिंग नहीं बोल सकते आप इसको, लाइक बैंक. जूम क्लासेस. यस. बैंकिंग सिस्टम. नेट बैंकिंग नहीं बोल सकते. बैंकिंग सिस्टम या वीडियो, ऑनलाइन वीडियो. समझ रहे हो? अगर बैंडविड्थ सही आ रही है तो एकदम ऐसा लगेगा रिकॉर्डेड देख रहे हो, नहीं तो कभी वॉइस लैग हो रही होगी कभी क्या. और बैंकिंग सिस्टम किस चक्कर में बोल रहा हूँ पता है आपको? बैंकिंग सिस्टम नेट बैंकिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर भी कोशिश रहती है रियल टाइम में होने की. लाइक आप कभी कैश डिपॉजिट कराने जाते हो तो या तो आप मुड़ते भी नहीं हो ना, उससे पहले मैसेज आ जाता है दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड या डिपॉजिट इन योर अकाउंट. कई बार 4 बजे आता है बैंक बंद होने के बाद, कई बार 8 के 8 बजे, कई बार आता ही नहीं है. समझ रहे हो? दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? तीसरा होता है फर्म RTS, फर्म रियल टाइम सिस्टम. इफ डेडलाइन इज मिस देन आउटपुट इज जीरो. एग्जाम्पल ATM. भाई अगर कोई टाइम लिमिट में की प्रेस नहीं करोगे यू आर दी आउट ऑफ द सेशन. क्लियर है बच्चों? यस सर. तो आपकी तीन टाइप की होती है. ब्रॉडली अपन दो ही यूज करते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन एक्चुअल में बात की जाए तो तीन होती बेटा. ये बगा दे एक सब्जेक्ट होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो आपके फाइनल ईयर में आता है कई कई यूनिवर्सिटीज में, और बाकी तो MTech में आता है. यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर. आगे बढ़े. यस सर.
क्लियर है ना बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है, अब आगे प्रोसेस का कंसेप्ट से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात, जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं बेटा, प्लीज सुबह आ जाए करो, सभी बच्चे बिस्तर को त्यागो। मोहन प्यारे, अभी एक बच्ची जगा रही थी ना, किसको, अपनी छोटे भाई या बहन को, जागो मोहन प्यारे। ऐसे मैं कह रहा हूँ बेटा, बिस्तर को त्यागो और आ जाया करो यार पढ़ने सुबह। ये दोनों सब्जेक्ट करना सर, जो भी बच्चा सुबह नहीं आता है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा सुबह आए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तो पाइपलाइनिंग स्टार्ट होगा, जो 4 मार्क्स की आती है, पाइपलाइनिंग और कैश मेमोरी एक तरफ, आधा COA एक तरफ, इतना हकीकत है ये, कंट्रोल बाकी है, तो प्लीज आ जाया करो। नेक्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? कोई सी भी रनिंग प्रोसेस, एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज नथिंग, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन। जैसे याद करो आप, मैंने आपको एक डीवीडी बंद करने के लिए दी, राइट करने के लिए दी। आप बचपन में पहले, अब तो मुझे नहीं पता, आज से 15-20 साल पहले एक नीरो सॉफ्टवेयर आता था, नीरो, है ना। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, भरा जा रहा है? बोला हाँ सर, 20% हो गए प्रोसेस में। थोड़ी देर बाद पूछा, बोला सर प्रोसेस में, मीन टू से प्रोसेस इज नथिंग, इट्स ए प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन, एंड वाइल एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, व्हाट दैट प्रोग्राम, यानी इट शुड बी, कहां होनी चाहिए, रिसाइड इन मेमोरी एंड ऑक्यूपाई द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। Are you getting my point? Yes, sir. That is the meaning of process. Process is nothing. Process is a program under the execution. And while execution, it should be reside in memory and occupy the processor to execute. And आपने गैल्विन में देखा होगा प्रोसेस के अलग अलग सेक्शन होते हैं, और आपने पढ़े भी होंगे, शायद भूल भी गए, और इस टॉपिक पे से भी क्वेश्चन आया हुआ 2 मार्क्स का, IIIT हैदराबाद ने लिया था बेटा। टेक्स्ट, डेटा, हीप, और ये डायग्राम आपने गैल्विन में 2-3 बार देखा होगा। एक तो प्रोसेस वाले चैप्टर के पहले पेज में नीचे कॉर्नर पे है, याद है? तो बताओ बेटा कि क्या क्या होते हैं। प्रोसेस विल हैव डिफरेंट सेक्शंस, बताइए बच्चों क्या क्या होते हैं। पहला होता टैक्स सेक्शन, क्या रखता है टैक्स सेक्शन? क्या रखता है बेटा? सुनिए दोबारा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोसेस, प्रोसेस इज नथिंग, इट्स ए प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन, एंड व्हाइल इट इज इन एग्जीक्यूशन ना, इट शुड बी रिसाइड इन मेन मेमोरी एंड ऑक्यूपाई द प्रोसेसर। नाउ प्रोसेस विल हैव डिफरेंट सेक्शंस इन मेमोरी, व्हेन द प्रोसेस इज एग्जीक्यूशन दे हैव डिफरेंट सेक्शंस, एंड दे आर ऑल्सो स्प्लिट, टैग सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप एंड स्टैक। टैग सेक्शन क्या रखता है? टैग सेक्शन कंटेन प्रोग्राम कोड, टैग सेक्शन कंटेन प्रोग्राम कोड, करंट एक्टिविटी एंड वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर, वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एंड डेटा सेक्शन, डेटा सेक्शन कंटेन द ग्लोबल वेरिएबल, डेटा सेक्शन कंटेन द ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट स्टैक, स्टैक सेक्शन कंटेन
लोकल वेरिएबल, आपको आवाज आ रही है बेटा पीछे से? नहीं सर, क्या चल रहा है, गाने के भजन? नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही सर। मेरे बेटे की क्लास बज जा रही है, पढ़ाई नहीं करता ना इसलिए। स्टैक सेक्शन कंटेन लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, आर गेटिंग माय पॉइंट? स्टैक क्या करता है, लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, क्या क्या है वो सब चीजें स्टैक सेक्शन रखता है। और हीप किस लिए काम में आता है? हीप इज यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनेमिकली। ये प्रोसेस में अलग अलग सेक्शन होते हैं, प्लीज नोट डाउन फास्ट प्लीज। नोटेड वेर बेटा? नो सर। अच्छा, कितनी स्टेट पड़ी थी प्रोसेस की? सेवन। Done? सर ये बचा है। नो सर। कितने स्टेट बता रहे हो बेटा? सेवन 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 पढ़ ली तुमने? फाइव। हाँ ये हुई ना बात। नहीं सर, पहले वो टू स्टेट, फिर फाइव स्टेट, फिर सिक्स स्टेट प्रोसेस, फिर मॉडल वाले रहते ना वो, उसके बाद सेवन, मतलब जो फोर्थ वाला बंदा है वो सेवन का बंदा, आई गेस। अच्छा, हो सकता है गलत हो, बहुत दिन पहले। बहुत दिन है, कोरोना खत्म नहीं हुआ अभी। हाँ मतलब कुछ दिन हो गए, लेकिन सर सेवन पढ़ा था कुछ तो याद है, सेवन ही था शायद। चार डायग्राम थे उसके। हाँ कौन सी बुक से पढ़ा था? सर नोट्स से पढ़ा था, मतलब लाइक नोटेड एवरीवन? यस सर। यस सर। नाउ लिसन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसीबी? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा मैं, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। Process control block. What is the meaning of it? Yeah. Details होते हैं इसमें. Details. Information about the process. It contains मतलब बहुत सारे variables रहते हैं process की, मतलब state कौन सी है, pointer, priority वगैरह सब का सब. Very good. Very good. PCB means process control block. मैं देखो Galvin भी चलाता जाऊंगा और विलियम स्टॉलिंग धाम धामर दीदी दोनों चीज चलाता जाऊंगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से आई कार्ड है आपका। आई कार्ड मीन टू से ईच प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीसीबी, इज रिप्रेजेंट बाय PCB, process control block, या you can say all the attribute or
context of the process stored in the PCB. In the PCB. Each process has its own PCB. Like process one hai, to PCB one. Process four hai, to PCB four. Clear? What is the meaning? Ek tarah se I card hai ye process ka. Samajh rahe ho? Sir, to attribute kya rakhta hai ye? What is the attribute ya context of the process? Attribute ya context of the process kya rakhta hai sir aisa hi hai to suno kya kya rakhta hai process ki id rakhta hai state name process ki state program counter value priority CPU registers कौन कौन से यूज कर रहा है input output of मतलब की list of devices कौन सी यूज कर रहा है and et cetera complete कुंडली रखता है किसकी process की एक तरह से जैसे आपका आई कार्ड है उसमें आपका सब डिटेल होता है नाम एनरोलमेंट आईडी फादर नेम है ना कॉलेज का कोड कॉलेज का एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर आपका कॉन्टेक्ट नंबर मेल आईडी है ना ऐसे ही हर प्रोसेस की पूरी कंप्लीट कुंडली किसमें स्टोर होती है पीसीबी में अब ये कुंडली होती क्या है आईडी एक तरह से प्रोसेस का आईडी दे दिया या नाम दे दिया स्टेट की कौन सी स्टेट में कौन कौन सी स्टेट होती है भी बताऊंगा प्रोग्राम काउंटर की क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है प्रायोरिटी एक पैरामीटर है कि किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है किसकी कम कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर यूज कर रहा है कौन कौन सी डिवाइसेज यूज कर रहा है कौन कौन सी फाइल्स यूज कर रहा है जो भी चीजें सारी एट्रीब्यूट कहाँ स्टोर होते हैं पीसीबी में किसमें पीसीबी में पीसीबी बोले तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ईच प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पीसीबी क्लियर है yes, sir. उतार लीजिए जल्दी सर ये हार्डवेयर होता है सर सीपीयू में नहीं 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 इसकी एक अलग से मेमोरी है जिसमें सारी चीजें होती है बेटा मतलब प्रोसेसर में हाँ हाँ सर वो याद आई तुमसे यस तो थोड़ा सा रह गया ये मतलब सर थोड़ा और ऊपर जी बेटा Noted? Yes, sir. Now, I am talking about the process state. Process state. Generally, five state model use karte hai. New, ready, running, wait, ya block, finish ya exit. Exit या terminate, okay? Now please listen. Exit या terminate. Please हर बच्चा सुनिएगा. First new, new समझना बेटा. New से क्या होता है? Process अपना किस में आएगा? Ready state में आएगा. किस में आएगा बेटा?
रेडी स्टेट में आएगा. न्यू से सबसे पहले प्रोसेस कहाँ आएगा? रेडी स्टेट में आएगा. क्लियर? रेडी से कहाँ जाएंगे अपन? रनिंग में. अब रनिंग से तीन बातें होगी. एक तो फिनिश होके वो कौन सी में चला जाएगा? एग्जिट में. एग्जिट या रनिंग प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट इवेंट की जरूरत होगी तो किस में आ जाएगा? वेट फॉर आईओ इवेंट. तो इसमें आ जाएगा जैसे आईओ इवेंट कंप्लीट हो जाएगा. गेट 2020 में भी क्वेश्चन आया था, आपको पता है इस पे, वो भी कराऊंगा मैं. या फिर रनिंग से यहाँ आ जाएगा कब? जब हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाएगी, क्वांटम टाइम एक्सपायर हो जाएगा या प्रीएम्प्टिव होगी. जब, अब सुनिएगा, न्यू का मतलब क्या होता है? इनिशियली द प्रोसेस इज इन न्यू स्टेट. ओके, इन द न्यू स्टेट प्रोसेस इज अंडर क्रिएशन और बीइंग क्रिएटेड. एंड रेडी स्टेट मींस व्हेन द प्रोसेस, इन द रेडी स्टेट मींस प्रोसेस इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. इन द रेडी स्टेट वी कैन हैव एन नंबर ऑफ प्रोसेस. फ्रॉम द रेडी स्टेट one of the process is select and schedule into running state. Are you getting my point? Sir. From the running state, let's suppose running mein instruction execute ho rahe hain. Ab teen baatein ho sakti hai. Aapne likha c equal to a plus b. a 5 hai, c 6 hai. 11 print karega, output de dega, khatam kahani. Seedhe aa jayega. Teesra, या आपने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट बिटवीन द थ्री नंबर. सो व्हाट हैपन? इट विल नॉट गिव द थ्री ग्रेटेस्ट अंटिल अनलेस यू विल नॉट गिव इनपुट. अरे आपने बोला तीन नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करने का प्रोग्राम बनाया आपने, उसको रन कराया, तो आपसे क्या बोलता है फिर वो? प्लीज एंटर द थ्री नंबर. क्लियर है बेटा? यानी आपके पास इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए आ जाएगा. या जैसे हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है या राउंड रॉबिन में क्वांटम टाइम एक्सपायर हो जाता है या प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो जाती है तो आपकी प्रोसेस रनिंग से कहाँ आ जाती है? रेडी में आ जाती है. क्लियर है? हाँ या ना? यस सर. ये मत बनाना अभी, ठीक है? पहले लिखेंगे. ये डायग्राम के लिए एक पेज छोड़ना ही है अपन ने. सर ऊपर भी लिखवाया था कुछ? नहीं अभी छोड़ दो. न्यू इनिशियली प्रोसेस इज इन न्यू स्टेट, दैट इज इनिशियली द प्रोसेस इज इन न्यू स्टेट मीन्स द प्रोसेस इज under creation or the process is being created. Under creation or being created. Second, ready. What beta? Ready. Ready state means, please tell me, ready to execute. Yes. When the process is created, it will move to the ready state. Samajh rahe ho? In the ready state means process is ready for execution. Are you getting my point? Yes, sir. And in the ready state,
we have multiple number of processes. यानी आप ready state में n number of process रख सकते हो, depend on the length of ready queue. Depend on the length of ready queue. Clear everyone? Yes, sir. Note down fast. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Next. Next. क्या? Running. क्या होगा बेटा running में? बताओगे? From the ready state, one of the process is selected and scheduled into the running state. Schedule into the running state. Are you getting my point? समझ में आ गया? Yes. क्या? Yes. Ready state में से process को लेंगे और एक को running state में execute कराने के लिए scheduled कर देंगे. हाँ या ना? Yes sir. और when the process is in running state, that means it is executing the instruction of the process. It is executing the instruction of the process. और ये 2000 का नोट क्या? Only one process present in the running state only one process present in the running state at any point of time. Clear hai? Each and everyone clear? Yes sir. उतार लिया है. Yes sir. आगे बढ़े. Yes sir. Fourth one is wait या block. वेट या ब्लॉक. इफ द रनिंग प्रोसेस रिक्वायर द आईओ इवेंट, इफ द रनिंग प्रोसेस रिक्वायर द इनपुट आउटपुट इवेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. IO event या IO operation, then the process will move into wait या block state. In wait state, wait या block state, the process will perform
आईओ ऑपरेशन, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, क्लियर है? यस सर। एंड व्हेन द आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीट, आईओ ऑपरेशन इज फिनिश, देन प्रोसेस विल मूव into ready state. Are you getting my point, each and everyone? Yes sir. Or in the wait state we have multiple number of processes. Kya ho gaya? स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस सर। इन द वेट स्टेट वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये ध्यान रखना बेटा। फिफ्थ, टर्मिनेट स्टेट। बस 15 मिनट की और थ्योरी बची है, फिर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है। When the process finish its execution, then it will go to the terminate state. उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को सभी कुछ समझ में आ गया होगा। Yes या no? Yes sir. Note down कीजिए जल्दी से। डन बेटा? यस सर। बेटा जस्ट वेट प्रज्ञा, प्रोसेस स्टेट डायग्राम मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, किसी को नहीं उतारने दिया है, डोंट वरी रहे। पता मेरे को एक चीज की खुशी है, पूछो क्या? क्या सर? जो अपने बच्चे हैं ना वो अपने ही बच्चे हैं। अब आपको इसका मतलब भी समझ में नहीं आया होगा। क्या इसका मतलब ये है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो पहले से ही उतने हैं जितने मैच चल रहा था जबी भी, समझ रहे हो बात? कहने का मतलब है जैसे मैच में अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी बता देता हूँ। जैसे मैच चल रहा था तो कुछ बच्चे मैच देख रहे थे, मैच खत्म हो गया, इंडिया जीत गई, तो बच्चे ज्वाइन करते, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि जितने बच्चे पढ़ना चाहते थे वो पहले से 4 बजे से बैठे हैं, नहीं समझे भाई? जो 49-50 बच्चे थे वो ये भी है मैच खत्म होने के 4 मिनट बाद भी, ये कहना चाहता हूं मैं। ये नहीं है कि अपने में से कुछ बच्चे मैच देखने भग गए कि यार मैच देखते इंटरेस्टिंग आ रहा है बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, ये कहना चाहता हूं मैं। और जो भी बच्चे अभी सुन रहे हैं सभी बच्चे भाई सुबह आया करो प्लीज, अब बहुत मार्क्स वाइज भी बहुत टॉपिक चलेगा तो हर बच्चा सुबह आया करे प्लीज, ठीक है? सभी बच्चा यहां तक उतार लिया सभी ने? सुनिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं क्या प्रोसेस का स्टेट डायग्राम। देखो जनरली अपने 5 स्टेट नहीं 7 स्टेट मॉडल होता है और मैं आपको पूरा सिखाऊं अभी अभी। पहला न्यू, न्यू का मतलब जैसे प्रोसेस क्रिएट होता है तो प्रोसेस आपकी न्यू स्टेट में होती है, न्यू से रेडी में आ जाएगी, रेडी से ही वो एग्जीक्यूट होने जाएगी, रेडी मींस रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, है ना?
तो रेडी से रनिंग में जाएगी, रनिंग में क्या होगा वो इंस्ट्रक्शन उसके एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। अब रनिंग से तीन बातें होगी, या तो फिनिश हो जाएगी, या उसको इनपुट आउटपुट इवेंट की जरूरत पड़ेगी, या कोई हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाएगी। और जब भी प्रोसेस मेरा रेडी में, रनिंग में या वेट में रहता है, इट मीन्स इट इज इन मैन मेमोरी। क्या? व्हेन द प्रोसेस इज इन रेडी, रनिंग और वेट, मीन्स प्रोसेस इज इन द मैन मेमोरी, प्रोसेस इज इन द मैन मेमोरी। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? यस सर। अब सुने दूसरी बात, मैं क्या कह रहा हूं उसके बाद। रेडी स्टेट में और रनिंग स्टेट में और वेट स्टेट में रहेगा तो मैन मेमोरी में रहेगा। रेडी में तो मेरी एन नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है, रनिंग में भी एन नंबर, वेट में भी एन नंबर, लेकिन रनिंग में एक ही रहेगी। अब मान लीजिए मेरी रेडी क्यू का लेंथ है 10, कितना 10, लेट सपोज, यानी 10 प्रोसेस मैक्सिमम रेडी में और 10 प्रोसेस मैक्सिमम वेट स्टेट में रह सकती है। सो सर व्हाट हैपन इफ मोर देन 10 प्रोसेस केम, अरे अगर 10 से ज्यादा प्रोसेस आ जाएगी तो क्या होगा? तो अपन यूज करते हैं उसके लिए सस्पेंडेड रेडी। क्या बेटा? सस्पेंडेड रेडी, समझना मेरी बात। क्या होता है ये कि मान लीजिए मेरा रेडी क्यू का लेंथ है 10, कितना है 10, मीन टू से ओनली 10 प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाट हैपन इफ मोर देन 10 केम, देन सम ऑफ द प्रोसेस इज सस्पेंड फ्रॉम रेडी टू सस्पेंडेड रेडी, और व्हेन एवर रिसोर्स आर सफिशियंट वी रिज्यूम बैक। क्लियर? सेम थिंग अप्लाई बिटवीन सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। सस्पेंडेड ब्लॉक क्या सर? एक बार सस्पेंडेड रेडी रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी रहे, कि व्हेन द रिसोर्स आर नॉट सफिशिएंट वी सस्पेंड, व्हेन एवर द रिसोर्स आर सफिशिएंट वी रिज्यूम बैक। आइदर यू कैन रिज्यूम हियर आल्सो डायरेक्ट, ओके, बट नॉट मेक दिस वन, जस्ट वेट। यस आई ऑलरेडी से you can move here also, but not make, please. Listen, what I am saying, I am talking about first five state model, new, ready, running, wait or terminate. Initially, process is in new, then it will move to the ready, from the ready it will move to running, running either it may be finished or if input output requirement, go for wait, otherwise go for ready, if high priority or quantum time expire like round robin. Okay, now listen. What I'm saying, कि we have a fixed length of ready queue और wait queue. Let's suppose that length is 10. मान लीजिए आपके 10 process रख सकता है ready queue. लेकिन अब 10 से ज़्यादा आ जाएगी तो क्या करेंगे अपन? When the resources are not sufficient to manage the process in ready queue, then some of the process is suspend from ready to suspended ready. Or whenever resources are sufficient, we resume back. We resume back. Clear बेटा? Yes या no? And same thing apply here. कहने का मतलब जब अपने पास जगह नहीं है तो अपन कहाँ डाल देंगे? Suspended ready या suspended wait में, या clear है? और जैसे जगह हो गई, new से भी आ रही होगी और कुछ suspended से भी आ रही होगी, तो मतलब किसको लेंगे पहले? वो priority देखे जाएगी उसके लिए, priority और process ID. वो तो अपन करेंगे ना numerical तो? जी सर. समझ रहे हो? ऐसे भी हो जाएगा. तो सुनिएगा बच्चों. मन में नहीं आता सर. है? ये जो आपने बनाया लास्ट में वही वो बोल देते कि यहाँ से यहाँ भी मूव कर जाता है, भाई कैसे मूव करेगा वहां से? अरे बता देता हूँ, तो दिल पे क्यों ले रहा बेटा? कौन बोल रहे थे यहाँ से यहाँ भी मूव कर जाता, पहले तो ये बता। ये मतलब वो नोट्स में लिखा था सर, मैंने जो पढ़ा था, यूट्यूब वाले भी बोलते रहते हैं। हाँ, अब उसका रीजन भी सुन लो बेटा। मान लीजिए आपका सस्पेंडेड रेडी में काम, आपका वेट क्यों खाली नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? खाली नहीं हो रहा है, उसका वेट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वेट क्यों में भी और प्रोसेस भी है, तो आपने यहाँ डाल दिए। तो अगर आपके पास यहाँ जगह खाली नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्ट सस्पेंडेड रेडी में डाल सकते हो कि भाई मेरी जगह तू दी आई, ये सर को पकड़ा दियो। समझ में आ रही है बात सर? लेकिन जब अपन वेट में तो तब डालते हैं ना, जब उसमें कोई इनपुट का वो चाहिए होता, वेट इनपुट या उसका नहीं चाहिए। ना ना ना, वेट में जब डालते हैं जब इनपुट आउटपुट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट है ना। हाँ, आप सुने, अगर मान लीजिए उसका काम हो चुका है, अगर उसका काम हो चुका है लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा प्रोसेस आ चुकी है और जिसका काम हुआ है वो लो प्रायोरिटी का है,
तो अपन उसको भी तो सस्पेंड में कर देते ना बेटा, समझ में आई? तो फिर जैसे सस्पेंडेड से सस्पेंडेड रेडी में भी डाल सकते हो आप इसको। क्लियर है? यस सर। सर हाँ बोले बेटा। नोट दिखाना। हाँ बोले सर, जब मेन मेमोरी भर गई है तो प्रोसेस रेडी स्टेट में आएगी ही नहीं न्यू से? नहीं ऐसे क्यों नहीं आएगी? अरे आप सर, आपकी 2 GB की, सुनो तो सही, आपकी 2 GB की रैम है, आपको भगवान ने मना किया कि आप 25 प्रोग्राम नहीं खोल सकते। आप फेसबुक खोल लो, ओरकुट खोल लो, ये खोल लो, वो खोल लो, फलाना डिगड़ा सब खोल लो, इस पे मना थोड़ी किया है। बट होगा क्या, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, फिर आप एंड नाउ नहीं करते। यस सर। हाँ बेटा ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, आंसर मिलेंगे सबको। कहने का मतलब है व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस when the large number of process are created and resource are not sufficient to manage the process in the ready queue, then some of the process is suspended from ready to suspended ready. Ready to suspended ready. Ready and whenever resource are sufficient then we resume back the process from सस्पेंडेड रेडी टू रेडी। आपका एक क्वेश्चन था कि सर, था नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ कि सर ऐसा क्या होता है सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट में कि अपन उधर ढाल देते हैं? तो बेटा जब भी प्रोसेस आपके सस्पेंडेड रेडी या सस्पेंडेड वेट में होते हैं ना, इसका मतलब है वो सेकेंडरी मेमोरी में है। किसमें है? सेकेंडरी मेमोरी में, बैकिंग स्टोर जिसे बोलते हैं। क्लियर? देखो सस्पेंडेड रेडी का तो लिख दिया, अब अपन आलसी आदमी यू लिख देते सेम थिंग अप्लाई between wait and suspended wait. आ गई बात समझ में? अभी सर मैं सोचता था 2 GB में रैम में भी वही काम हो जाता है, 8 GB में भी वही काम हो जाता है, ऐसे कैसे? नहीं ऐसा नहीं होता है। And note when the process is in suspended ready and suspended wait, that means process is in secondary memory. Process is in secondary memory. क्लियर है बच्चों? यस सर। यहां तक उतार लिया सभी ने? आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? थोड़ा सा ऊपर। यस बेटा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है बेटा? जैसे आप कंपनी स्विच करते हो कि
एक कंपनी में तो आपका डेटाबेस सेव हो जाता है, दूसरे में लोड हो जाता है कि ये था और ये आ रहा है. मेन टू से सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस. एंड यस, वेरी गुड माधवी. लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ another process is called context switching. Clear hai bachcho? Yes sir. Dispatcher kya hota hai? Dispatcher यही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस. मेन टू से द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग done by the dispatcher. Clear everyone? Yes, sir. अब बताइए मेरे को शेड्यूलर कितने टाइप के होते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. सर डिस्पैच रह गया थोड़ा ऊपर. थ्री टाइप ऑफ शेड्यूलर. पहला शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसका दूसरा नाम क्या होता है? चलो तुम तो ये नाम बता दो, इसका दूसरे क्या क्या होते हैं? मीडियम टर्म शेड्यूलर. अबे नालायको, दूसरा नाम. अच्छा इसका दूसरा नाम सर. शॉर्ट टर्म का दूसरा नाम क्या होता है? अच्छा अपन ये बताओ, सुने अपन जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं वो कौन कराता है इनमें से? मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म? ये शॉर्ट टर्म कराता है. शॉर्ट टर्म बेटा. फिर सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं शॉर्ट टर्म को. हाँ सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं. हाँ मैं शेड्यूलर बोलता हूँ क्योंकि मैं बिहार जाके आया हुआ हूँ, है ना, और बंगाल भी जाके आया हुआ हूँ. देसी. हाँ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी सीपीयू शेड्यूलर, ठीक है. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यानी जॉब शेड्यूलर. जॉब शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म को जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं. एलटीएस का काम क्या होता है भाई, प्लीज बताइए. एलटीएस का काम क्या होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का? क्रिएशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एंड ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट. वेरी गुड. इट सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम द वेरियस जॉब पुल्स. And load them into the memory. Load them into the memory. बस अभी रामायण खत्म होने वाली है. या it is responsible for creating and bringing the new processes into the system. That is the meaning of long term scheduler. That is the meaning of long term scheduler. Mean to say, आपको पता है long term scheduler कहाँ काम करता है? ये पहली और दूसरी वाले state के बीच में, new और ready. यहाँ आपका long term scheduler काम आता है, यहाँ आपका short term scheduler काम आता है, यहाँ आपका mid term scheduler काम में आता है, my dear. Are you getting my point? Yes, sir. Very good. Dusra, short-term scheduler. Yeah, CPU scheduler.
it select the process from the ready state and allocate the CPU one of them. समझ रहे हो बच्चा? और इट रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट and scheduling into running state, scheduling into the running state. Clear hai bachcho? Aur ek cheez dhyan rakhna, LTS control the degree of multiprogramming. Degree of multiprogramming kitni aayegi wo kon control karta hai? Long term scheduler. Dhyan rakhna bachcho. LTS control the degree of multi-programming. Third one, mid-term scheduler. ये किस लिए responsible है? It is responsible of for suspending and resuming the process. Suspending and resuming the process. Clear not? No sir. जल्दी कीजिए बेटा. थोड़ा ऊपर कर दीजिए. जी बेटा जी. Noted बेटा. सर ये from various jobs के आगे क्या लिखा है? LTS. Job pools. Job pools. Done बच्चो. Yes, sir. Now make this diagram, please. Sir, थोड़ा सा रह गया था सर. सर बस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. सर एक बार प्रोसेस स्टेट वाला दिखा दीजिए. स्टेट डायग्राम या स्टार्टिंग से? सर न्यू जहाँ पे आप डेफिनेशंस लिखवा रहे थे. यस. यस. बेटा तेरे घर में दूसरी जूम क्लास भी स्टार्ट हो गई क्या? बच्चे कोई छोटे भाई बहनों की है? आवाज आ रही थी पीछे से. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. नन्हे वो क्लास की टीचर की लग रही थी किसी. यस मेक दिस डायग्राम प्लीज. प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन. कीजिए बेटा. एक मिनट गेट ओपन कर दो इधर. आप कीजिए प्लीज. Draw it.
नोटेड एवरीवन? यस सर। यस सर। नाउ लिसन, जो प्रोसेस है विथ रेस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन टाइम, देर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस। हाउ मच? टू टाइप एग्जीक्यूशन टाइम के भी आप पे, किस भी आप पे, इसको ऐसे उतारेंगे बेटा, एग्जीक्यूशन टाइम के भी आप पे दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस, व्हाट बेटा? सीपीयू बाउंड, एंड सेकेंड आईओ बाउंड प्रोसेस। कैसी होनी चाहिए? इनपुट आउटपुट बाउंड। गलत, प्रोसेस शुड बी मिक्स प्रोसेस, बस इतना सक लिखना। सीपीयू बाउंड का मतलब जो सीपीयू से बंधी हुई है, मींस व्हिच स्पेंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर टाइम इन सीपीयू। ओके, तो मान लीजिए इसका नॉन टेक्निकल एग्जांपल देखिए, आप रोज 18 घंटे पढ़ रहे हो, ना तो आपने फॉर्म भरा, ना एग्जाम देने का, ना क्लास अटेंड की, ना अटेंडेंस है ना, समझ रहे हो बात? ना एग्जाम देने का, ना रिजल्ट लेने का कोई मतलब है, नहीं। आईओ बाउंड, आप एग्जाम फॉर्म भर दिए, रोज जा रहे हो, रोज 5 बुक और उसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, एग्जाम देने भी जा रहे हो, रिजल्ट लेने भी जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे? पढ़ाई, मतलब है? नहीं है। कहने का मतलब है शुड बी मिक्स प्रोसेस। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझे, अगर मेरी प्रोसेस सीपीयू बाउंडेड है तो बेटा रनिंग क्यू में रहेगी वो, इनपुट ना तो इनपुट लेने आएगी, ना आउटपुट देने जाएगी, ये आईओ क्यू विल बी एम्प्टी। अगर आईओ बाउंडेड है तो रनिंग क्यू विल बी, रनिंग स्टेट विल बी एम्प्टी। तो प्रोसेस शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Are you getting my point? Sir. Yes. Or according to the nature, there are two type of what? Non-preemptive. And second one is preemptive. Non-preemptive and second one is preemptive. Non-preemptive and second one preemptive. Non-preemptive means cannot stop in between, और preemptive means, thank you तानिया, बेटा आप अच्छे तरह से notes बना रहे हो, can stop in between, are you getting my point? Non preemptive और preemptive खूब detail में समझेंगे अपन, clear है बच्चों यहाँ तक? Yes sir. उतारिए please, उतारिए। Yes, sir, done. Done? Now. Till now done, na? Yes, sir. देखिए बच्चों, next. सुनिएगा सब बच्चे, please. नेक्स्ट वन, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। कितनी पढ़ी हो, कितने पढ़े हो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? अरे बोलोगे, कितने पढ़े हो? FCFS, SJF नॉन प्रीएम्प्टिव, फुल फॉर्म बाद में लिखाऊंगा मैं, SJF प्रीएम्प्टिव, या SRTF, या SJRF, फोर्थ वन राउंड रॉबिन, LJF नॉन प्रीएम्प्टिव, LJF प्रीएम्प्टिव या LRTF, सेवेंथ HRRN, एट्थ प्रायोरिटी नॉन प्रीएम्प्टिव,
9th प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव, 10th मल्टी लेवल क्यू, 11th मल्टी लेवल फीडबैक क्यू. मल्टी लेवल फीडबैक क्यू प्लीज नोट डाउन फास्ट. क्लियर है? यस सर. करें आगे सर. अब देखें, अपन सीपी शेड्यूलिंग को डिस्कस करने से पहले इसमें बहुत टाइप के टाइम होते हैं. कौन कौन से टाइम होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे. प्रोसेस विल हैव वेरियस टाइप ऑफ टाइम्स. Arrival time, first one is arrival time, second bus time या you can say execution time. Next one is completion time. फोर्थ वन इज टर्न अराउंड टाइम. बेटा आपने वो सारे उतार तो लिए थे ना 11 की 11. ईच एंड एवरी वन नोटेड ना? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम. क्लियर? अब पहला टाइम बताइए, अराइवल टाइम क्या होता है? ईच एंड एवरी वन बताइए. सर जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में पहुंचती है वो होता है. रॉन्ग सर. रेडी सर वो टाइम जब प्रोसेस रेडी क्यू में आती है. जब रेडी क्यू में आती है, सिस्टम में आती है. द टाइम सॉरी व्हेन द प्रोसेस is arriving in the ready state ya into the system. Clear? Yes sir. Yes sir. Is called arrival time. इसके शॉर्टकट भी याद रखना, मैं आगे इसको ऐसे नाम से जानूंगा, ATBTCTTT. अराइवल टाइम यानी A फॉर अराइवल, T फॉर टाइम. दूसरा बस टाइम, ये क्या होता है बेटा? When it start, मतलब जब स्टार्ट कर देती है ये रनिंग में आती है. When it starts execution. CPU time required by the process. The time required for the process, या by the process लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है. The time required by the process for its execution. अरे भाई आपको 4 सेकंड लगते हैं, आपका बस टाइम है 4 सेकंड. समझ रहे हो? स्टार्ट नहीं, कितना समय उसको लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड बस टाइम. एंड कंप्लीशन टाइम, बताइए बेटा कंप्लीशन टाइम. भाई लोगों तुम्हारे को तो ये भी याद नहीं है. कंप्लीट देयर प्रोसेस. टर्न अराउंड होता नहीं सर. टर्न अराउंड टाइम और नहीं. द टाइम व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट. ओह सॉरी. टर्मिनेट is completed its execution. Completed its execution. Clear?
इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम. क्लियर एवरीवन? कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन इन गैंट चार्ट, यूं लिख देना गैंट चार्ट. याद आ रहा होगा गैंट चार्ट? यस सर. नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम टीटी क्या होता है? पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम. Is called turnaround time. Means submission से लेके complete होने तक का लगा समय क्या कहलाता है? Turnaround time. Completion time minus arrival time. ध्यान रखना बच्चों. Completion time minus arrival time. Clear everyone? Next, waiting time. Time difference between turnaround time and bus time. समझ रहे हो? वैसे waiting time क्या होता है? The time spent in the ready queue. That is called waiting time. Clear है बच्चों? अरे हाँ या ना? Yes, sir. गलतियां करने के लिए तैयार हो जाओ. अब गलतियां करने के लिए तैयार हो जाओ. रेस्पॉन्स टाइम टाइम डिफरेंस बिटवीन द first response and arrival time. The time difference between the first response and the arrival time. समझ में आ गया बच्चों? ये अपन only उसमें निकालेंगे round robin में. अब आपको बहुत मजा आने वाला है. उतार लिया यहां तक? सभी बच्चों को यहां तक उतार चुके हो? और क्लियर है या नहीं है लिख दीजिए चैट बॉक्स में. बस अब मेरा काम स्टार्ट होता है. माधवी रेस्पॉन्स टाइम अभी समझना भी नहीं बैठ. चिल मारो, एकदम मस्त रहो. ठंड हो रही है, चिल रहो. रेस्पॉन्स टाइम कुछ नहीं होता है. फर्स्ट रेस्पॉन्स कब दे रही है और माइनस अराइवल टाइम. क्लियर? नोटेड? Yes, sir. Can I move? Yes, sir. Yes, please. First, FCFS. FCFS. First scheduling algorithm. FCFS. फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व. फर्स्ट काम फर्स्ट सर्व. व्हाट इज द क्राइटेरिया? अराइवल टाइम. जो पहले आएगा वो पाएगा.
हाँ एंड मोड नॉन प्रीएम्प्टिव, ये ध्यान रखना बस। क्राइटेरिया अराइवल टाइम, एंड मोड नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। प्लीज सॉल्व इट, सॉल्व इट बेटा। Tell me the answer, beta. What is the answer you are getting? No, no, no. Abhishek, I am asking average waiting time and average turnaround time. Tell me, beta, tell me. What is the average waiting and what is the average turnaround time? यस बच्चों लिसन, मैं एक्सप्लेन, जस्ट वेट। व्हाट द प्रोसेस विच केम फर्स्ट आर शेड्यूल फर्स्ट, प्लीज पुट योर पेन डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एग्जीक्यूट P1 0 to 4, P2 7, P3 8, P4 10, P5 15. Now, first we calculate the completion time. P1 when complete? At 4. P2 at 7. P3 at 8. P4 at 10 or P5 at 15. Now, turnaround time. Completion minus arrival time. 4 minus 0. 7 minus 1, 8 minus 2, 10 minus 3, 15 minus 4, 11. Waiting time, turnaround time minus bus time. 4 minus 4, 6 minus 3, 6 minus 1, 5. 7 minus 2, 5. सर आप म्यूट हो। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? व्हाट इज द एवरेज? व्हाट इज द एवरेज? 10, 19. तो एवरेज वेटिंग इज
19/5 और टर्न अराउंड 18, 24, 30, 34 mean to say 6.8 और दिस वन इज 3.8 क्लियर एवरीवन ईच एंड एवरीवन क्लियर डू इट वेरी गुड माधवी प्रज्ञा सृष्टि जानवी बबली बजमी आप सुबह नहीं आते बेटा आजकल सोनिया इशिता अमन तनिषा अभिषेक आप सुबह नहीं आते आजकल क्लियर एवरीवन यस Can we move to the next question? Yes. Please solve this question. Okay, beta. All of you, please be regular. Please solve it. Yes, beta. Abhishek. बताइए बच्चों क्या आएगा यस बच्चों बताइए दो क्वेश्चन दू घर से करने के लिए यस सर एक तो ये वाला ही है ठीक है रहा या ना यस सर प्रोसेस नंबर अराइवल टाइम बस टाइम P1, P2, P3, P4, P5, P6, 8, 3, 7, 10, 2, 3. And the timings are
I don't know what happened. So please solve it. Apply FCFS in both the question. What apply? FCFS in both the question. Yeah, just take a screenshot, do it your homework. Okay. This one. And this one also. These two. Okay. Yes, sir. Yes, my dear student, any doubt till now? So today's class is a little bit numerical, most of the theoretical. Not that you can say theoretical because it's a conceptual, but tomorrow onwards, all of you very, very enjoying. और आप सोचते हो मैंने बीटेक में ये अच्छी तरह की थी, कल देख लेंगे बेटा अपन. मैं डरा धमका नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि भाई और वैरायटीज भी मिलेगी. आपने की थी, अच्छी बात है. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू.